आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आप अपने जीमेल अकाउंट का बैकअप कैसे ले सकते हैं। अगर आपके जीमेल अकाउंट से आपकी फ़ोटो, वीडियो या आपके कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो चुके हैं तो आप एक क्लिक में सारा कुछ बैकअप ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप पूरे अपने जीमेल अकाउंट का बैकअप कैसे ले पाएंगे, वो भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन से जीमेल नाम का एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अगर आप एक से ज़्यादा जीमेल आईडी का यूज करते हैं तो आपको इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप जिस भी जीमेल अकाउंट का बैकअप लेना चाहते हैं उसे यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज और ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाटा एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आना है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता दूंगा। और अगर आपके फ़ोन में वो फाइल ओपन नहीं होती, ओपन कैसे होगी वो भी आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे डाउनलोड और डिलीट योर डाटा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज और ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से गूगल टेक आउट नाम से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सारा कुछ आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्रिएट ए न्यू एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और सेलेक्ट डाटा टू इंक्लूड, यानी मेरे इस जीमेल अकाउंट में 43 सिलेक्टेड है। तो यहाँ आप देखेंगे जितने नीचे आपको चेक बॉक्स मिल जाएंगे सब सेलेक्ट हैं। आपको यहाँ पर बारीकी सारा चीज़ बता देता हूँ कि कैसे आप यूज करना है। आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ आएंगे तो ऑप्शन देखने को मिलेगा डी सेलेक्ट आल। अगर आप जिसे इस पर क्लिक करते हैं डी सेलेक्ट आल पे तो ऑलरेडी जितने भी नीचे के ऑप्शन हैं ये अनचेक हो जाएंगे। अगर आप दोबारा इस पर सेलेक्ट आल पे करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या है, अगर मान लीजिए कि जो आपका जीमेल अकाउंट है यहाँ से आप जो जो चीज़ का बैकअप लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक रहने दीजिए। अगर आप जिस चीज़ का बैकअप नहीं लेना चाहते उसे आप यहां से आसानी से अनचेक कर सकते हैं। तो अनचेक चेक कैसे करना कि आप अपने अकॉर्डिंग जो जो जिस चीज़ का आपका डाटा का बैकअप लेना है वहां से आप इसे चेक कर लीजिए और जिसका नहीं लेना उसे आप अनचेक कर लीजिए। अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ सेट करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा तो इसका जैसे हमें बैकअप लेना तो इसे हम चेक कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना, सबसे नीचे आने के बाद ये प्रक्रिया आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि डाटा आपका 2 GB, 3 GB, 4 GB या 6 GB तक हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट हो पहले आप उसे सेलेक्ट करके उसका डाटा बैकअप ले लेंगे, उसके बाद कि आगे की बैकअप लेते रहेंगे। नीचे आने के बाद आपको जैसे आप लास्ट में सबसे नीचे जैसे आ जाएंगे यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिलीवरी मेथड का ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा डिलीवरी मेथड का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ यहाँ पर आप देखेंगे सेंड डाउनलोड लिंक वाई ईमेल। अगर आप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो जो आप डाटा अपने मोबाइल फ़ोन का लेना चाहते हैं जीमेल अकाउंट का आप किस में लेना चाहते हैं, ऐड टू ड्राइव में या ऐड टू ड्रॉप बॉक्स में, तो मेरी सलाह आपको यही कि आप ऑटोमेटिक जो इसमें सेलेक्ट है सेंड डाउनलोड लिंक वाई ईमेल, यानी कि जो आपका डाटा होगा वो एक आपके मोबाइल में ईमेल में लिंक आ जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आपके पूरा डाटा का बैकअप मिल जाएगा। तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे लिखा है व्हेन योर फाइल्स आर रेडी यू आल गेट एन ईमेल विथ ए डाउनलोड लिंक, यू हैव 1 week टू डाउनलोड, यानी कि आपका जो डाटा वो कुछ वेट लगेगा, आपको 1 week तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रोसेस कैसे करना वो आपको मैं कंप्लीट बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट और नीचे है एक्सपोर्ट एवरी 2 month फॉर 1 year, यानी कि अगर आप 1 साल का डाटा एक बार में पूरा बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट वंस पे क्लिक रहने देना है। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल का डाटा 2-2 माह में आए तो आपको एक्सपोर्ट एवरी 2 month
फॉर वन ईयर पे क्लिक करना है तो आपको 6 महीने में 2-2 महीने का डाटा इस तरीके से 6 बार में एक्सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैं एक बार में लेना चाहता हूँ तो एक्सपोर्ट वन पे क्लिक कर दूंगा, एक्सपोर्ट वन पे। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे फाइल टाइप एंड साइज, तो डॉट जिप में जैसे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो जिप फाइल में रहने दीजिए। लेकिन नीचे आप यहाँ देखें लिखा हुआ है जिप फाइल्स कैन बी ओपन ऑलमोस्ट एनी कंप्यूटर। अगर आप जिप फाइल में डाटा अपना मंगवाते हैं तो आप मोबाइल में कैसे ओपन करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपोर्ट लार्जर देन दिस साइज विल बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल फाइल्स, यानी कि जो आप डाटा मैंने आपको जो बताया था जो आपको इम्पॉर्टेंट हो पहले उस पर चेक रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा आप यहाँ देख सकते हैं 50 GB तक का डाटा मंगवा सकते हैं, लेकिन उतना कैपेसिटी आपके मोबाइल फ़ोन भी होनी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कितना डाटा मुझे मंगवाना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपको चूज़ करना है। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना, आसानी से आपको क्रिएट एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे एक मैसेज आए, गूगल इज क्रिएटिंग ए कापी ऑफ फाइल्स फ्राम 40 प्रोडक्ट, यानी मैंने 40 प्रोडक्ट चूज़ किए हैं। इसके बाद दिस प्रोसेस कैन टेक ए लॉन्ग टाइम पॉसिबल आवर आर डेज, यानी कुछ घंटे या दिनों में टू कम्प्लीट यू हैव रिसीव एन ईमेल व्हेन योर एक्सपोर्ट इज डन, यानी कि आपको कुछ वेट करना, यानी कुछ घंटों या एक दिन में या एक वीक के अंदर आपको इसी मेल में एक लिंक आएगी, उसके बाद का प्रोसेस क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। जीमेल देखता हूँ, शायद मेरे में जीमेल आ चुका है, तो आपको मैं अपना जीमेल ओपन करके यहाँ दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे गूगल डाउनलोड योर डाटा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे योर अकाउंट योर डाटा, तो यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड आर्काइव दे रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक नया पेज और ओपन कर देगा गूगल। यहाँ से आप जिस भी जीमेल अकाउंट का बैकअप लिया है उस पर यहाँ पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है। तो ऑलरेडी मैंने इसे डाउनलोड करके रख लिया, अब इसे ओपन कैसे करना, क्योंकि जिप फाइल आपके मोबाइल फोन में शायद ओपन ना हो, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में कर रहे हैं तो वहां पर आसानी से जिप फाइल ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चलना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। जैसे आप अपने यहां से मोबाइल के प्ले स्टोर में आएंगे तो आपको यहां पर सर्च करना है रार नाम का एप्लीकेशन, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, यहां पर आपकी जिप फाइल आसानी से ओपन हो जाएगी। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में